हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज की रेसिपी कौन सी है। जी, आपने बिल्कुल सही समझा है, आज की रेसिपी है फिरनी। फिरनी तो आप कई बार बनाए होंगे और कई तरीके से बनाए होंगे। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिरनी बनाने के लिए मैंने पहले से ही राइस को अच्छे से धोकर भिगा के रख दिया है। आज की रेसिपी मैं 1 लीटर दूध से बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 टीस्पून राइस को अच्छे से धोने के बाद भिगा के रख दिया है। देखिए, ये जो राइस है इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इसीलिए मैं इस राइस को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बासमती राइस ले सकते हैं या फिर नॉर्मल राइस से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। आज की रेसिपी में मैं राइस को 2 तरीके से यूज़ करूँगी। थोड़े से राइस को ग्राइंड कर लूँगी और थोड़ा सा इसी तरीके से साबुत डालूँगी। चलिए, सबसे पहले हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। पहले मैंने कढ़ाई को हल्के से गर्म कर लिया है, उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से देसी घी लगाएंगे। ये लगाने की वजह यह है कि जब हम दूध को बहुत देर तक पकाएंगे तो ये साइड पे जम जाता है, यानी पकड़ लेता है, तो वो पकड़े नहीं, इसीलिए मैं ये देसी घी लगा रही हूँ। आप जो भी कढ़ाई यूज़ करेंगे फिरनी बनाने के लिए, उसमें इस तरीके से एक बार घी लगा के ज़रूर देखिए। इस तरीके से घी लगाने पर मलाई बहुत ज़्यादा साइड्स पे नहीं चिपकेगी। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। मैंने दूध फुल क्रीम लिया है। अब इस दूध को रख देते हैं गैस पे। अगर आपका गर्म किया हुआ दूध नहीं है तो आप उसे एक उबाल आने तक वेट कीजिए। मैं गर्म किया हुआ दूध ही यूज़ कर रही हूँ। दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही लिया है, तो इसे हल्के से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे राइस जो हमने भिगा के रखा है। देखिए, ये अच्छे से गर्म हो गया, इसके किनारों से देखिए बेल्ड होने ही वाला है। तो चलिए, अब हम इसमें डालते हैं राइस जो हमने भिगा के रखा है। इसमें मैं 2 टीस्पून साबुत राइस डाल रही हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून जो बचेगा उसे ग्राइंड करके डालेंगे। अच्छा, अगर आपने दूध बिना बॉइल किया, यानी बिल्कुल फ्रेश दूध ले रहे हैं आज की रेसिपी के लिए, तो उसमें एक उबाल ज़रूर आने दीजिए। राइस डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि राइस नीचे पकड़े नहीं। मैंने गैस की फ्लेम लो कर लिया है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस राइस को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ये है 1 टीस्पून राइस, इसे हमें ग्राइंड करना है। 2 टीस्पून राइस हमने साबुत यूज़ किया है, तो 1 टीस्पून को ग्राइंड करके यूज़ करना है। अच्छा, इसे ग्राइंड करते वक्त भी एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे, जिस तरीके से उपमा रवा होता है उससे हल्का सा मोटा ही इसे रखेंगे। देखिए, 7 से 8 मैंने काजू लिए हैं, इसे भी भिगा कर ही यूज़ करेंगे। अब लेंगे 7 से 8 बादाम, इसे भी भिगाने के बाद इसका स्किन निकाल देंगे। इसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। चलिए, अब हम काजू, बादाम और राइस को तीनों को एक ही साथ ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, राइस हल्का सा दरदरा रहेगा, काजू बादाम का पेस्ट बन जाएगा। चलिए, अब हम लेंगे बिल्कुल फ्रेश मलाई, जो दूध फ्रिज में रखने के बाद उसके ऊपर एक मलाई की लेयर जम जाती है, उसी मलाई को मैं निकाल कर एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब भी इस तरीके के कोई भी रेसिपीज बनाते हूँ तो उसी में से मैं मलाई यूज़ करती हूँ। तो चलिए, उस मलाई को अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। चलिए, मिल्क पाउडर भी हम 2 टेबलस्पून लेने के बाद पहले इस राइस को और काजू बादाम को ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, ये बादाम, काजू और राइस को तो हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा दूध। दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही लिया है। अब इसे और थोड़ी देर ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। देखिए, ये है हरी इलायची, इसे भी ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। इस मलाई और मिल्क पाउडर को भी बाद में हमें इसी में डालना है, तो इसे अलग से ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। चलिए, अब हम दूध भी चेक कर लेंगे, ये नीचे से राइस पकड़ा तो नहीं है।
इसे हम लो फ्लेम पर पका रहे हैं तो ये नीचे से तो पकड़ेगा नहीं, और मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है तो इसमें बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। अगर आप नॉर्मल पैन ले रहे हो तो उसे आप बीच में ज़रूर चेक करते रहिए। अगर राइस नीचे पकड़ लेगा तो फिरने का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए बीच बीच में इसे चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से इसे फिंगर से प्रेस करके देख सकते हैं, ये अच्छे से पक चुका है राइस, तो और थोड़ी देर इसी तरीके से इसे पका लेंगे। इसमें डाले हुआ राइस पूरी तरीके से पकने के बाद अब इसमें डालेंगे जो हम ग्राइंड करके रखे हैं बादाम, काजू और राइस को, वो पेस्ट इसमें डालेंगे, मिक्स करते हुए इसे भी पका लेंगे। इसे पकाने का सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है। राइस और काजू बादाम को ग्राइंड करके डालने की वजह से फिरनी बहुत ही मज़े की बनेगी और ये गाढ़ी भी होगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार और आसानी से बनने वाले रेसिपीज अपलोड करूँगी आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेते हुए इसे बिल्कुल गाढ़ी होने तक पकाना है। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान यानी केसर डाल सकते हैं, केसर डालने की वजह से इसका कलर हल्का सा बदल जाएगा। लेकिन आज मैं इस रेसिपी में केसर इस वक्त नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ गार्निशिंग में केसर यूज़ करूँगी। देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, इसे हम हल्के से इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे ताकि जो राइस हम साबुत डाले हैं वो भी हल्के से मैश हो जाए, पूरा साबुत ना रहे, कुछ कुछ साबुत रहेगा और कुछ कुछ मैश हो जाएगा। इसके किनारों से भी इस तरीके से मलाई छुड़ाते रहेंगे और इसे इसी तरीके से मैश करते हुए थोड़ी देर और पका लेंगे। हम इसमें जो साबुत राइस डाल के पकाए हैं वो तो अच्छे से गल गया है, बाद में हम जो इसमें राइस और काजू बादाम को ग्राइंड करके डाले हैं देखिए वो भी अच्छे से गल गया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। देखिए राइस तो 100% पक गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। आप हरी इलायची का फ्लेवर जितना पसंद करते हैं उतना इसमें डाल सकते हैं। हरी इलायची आप चाहे तो एंड में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से पहले डालने का रीज़न ये है कि ये दूध के साथ पकेगा यानी राइस के साथ पकेगा तो इसका फ्लेवर फिरनी में बहुत ही बढ़िया आएगा। लो फ्लेम पर तकरीबन 30 सेकंड्स तक पकाने के बाद अब इसमें डालते हैं मलाई और मिल्क पाउडर को जो हम ग्राइंड करके रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे और इसे भी तकरीबन 1 मिनट तक पका लेंगे। जार में थोड़ा सा दूध डालकर इसके अंदर जो भी बचा हुआ मिल्क पाउडर और मलाई है उसे भी निकाल लेंगे। इसे लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है मलाई और मिल्क पाउडर डालने के बाद। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की गाढ़ी होने तक पकाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जैसी रखना चाहते हो रख सकते हैं, लेकिन आज मैं फिरनी बना रही हूँ तो ये तो बहुत गाढ़ी होती है, तो इसे मैं और थोड़ी देर इसी तरीके से पका लूँगी। देखिए ये अभी भी पतली है, जिस तरीके की फिरनी होती है बिल्कुल उस तरीके की नहीं हुई है, तो मैं इसे और थोड़ी देर पका लूँगी। इसे गाढ़ा करने के लिए अब मैं गैस की फ्लेम हाई कर रही हूँ, तो इसे मैं मिक्स करते हुए पकाऊँगी। इस स्टेज पे ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाती है। अगर आप इसे नॉर्मल कोई भी पैन में पका रहे हो तो बहुत ही एहतियात से पकाइए, इस स्टेज पे ये बहुत जल्दी नीचे से पकड़ लेती है। मैंने आपके साथ दूध से बने हुए कई सारी रेसिपीज शेयर किया है, उन रेसिपीज को आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। दूध से बनी हुई खीर की रेसिपी भी बहुत ही मज़े की होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उस रेसिपी में मैंने साबूदाना भी यूज़ किया है तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़े की होती है, उसे भी आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई करके मैंने तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरीके से इसे हल्के से मैश करते हुए पकाया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया हो गई है। तब हम इस स्टेज पे इसमें शुगर डाल सकते हैं। इसमें शुगर तभी डालना होगा जो भी राइस हम इसमें साबुत डाले हैं और ग्राइंड करके डाले हैं वो 100% पकने के बाद ही इसमें शुगर ऐड करना होगा। अगर पहले ही शुगर ऐड करेंगे तो वो बाद में पकेगा नहीं।
मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून। आप मिठास जितनी पसंद करते हैं उतनी शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद ये हल्की सी पतली हो जाती है। जब शुगर घुलेगी तो फिर नहीं पतली हो जाएगी, तो इसे फिर हमें दोबारा पकाना होगा। आप चाहे हाई फ्लेम पर पकाइए या फिर लो फ्लेम पर, फिर हल्के से गाढ़ी होने तक इसी तरीके से इसे पकाना है। शुगर ऐड करने के बाद तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि ये फिर से गाढ़ी हो जाए। इसे लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है। तो अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। क्वांटिटी भी आप जितनी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। अब डालते हैं 6 से 7 कटे हुए काजू। 1 टीस्पून चिरौंजी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, चेरीज डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 खजूर भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। अब डालेंगे किशमिश। अगर आप इसमें खजूर डाल रहे हो तो शुगर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम डालिए, क्योंकि जब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे तो खजूर की भी मिठास आएगी, तो फिर फिरनी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। इसलिए अगर आप खजूर डाल रहे हो तो शुगर थोड़ा सा कम डालिए, वरना आप नॉर्मल जितना खाना चाहते हो मिठास उतना डाल सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर्स भी फिरनी में अच्छे से आ जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है। तो ये ठंडी होने के बाद और थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो आप जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो उसी हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसे फ्रिज में रख के बिल्कुल ठंडी होने के बाद सर्व कीजिए, तो इसका जायका दुगना हो जाएगा। इसे आप जितना ठंडा करके खाएंगे उतना ही मज़े की होती है। जैसे कि रबड़ी को आप ठंडा करके खाएंगे तो जितना बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल उसी तरीके का इसका भी टेस्ट रहेगा। आप मेरे रबड़ी की रेसिपी भी देखे होंगे, वो भी बहुत ही मज़े की होती है। अगर आप नहीं देखे हों तो उसे आई बटन से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अगर आपके पास पिस्ता हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल रही हूँ, यानी केसर। आपके पास हो तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।